भाई वीकेंड का वार सबको चुबा है, बहुत जोर से पिन की तरह नहीं कैंची और चाकू की तरह चुभ गया है। इसलिए सब लोग एंटरटेनर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सब लोग एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे वो आप राखी सावंत की बात करें, अर्शी खान की बात करें, अभिनव शुक्ला की बात करें। अभिनव शुक्ला से याद आया, अभिनव शुक्ला भूत बने हुए हैं आजकल। जी हाँ, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी केम शो के रोहाल का सकाल, मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो यहाँ पर जब सलमान खान ने कहा कि कौन बोरिंग है, कौन एंटरटेनर नहीं है, तो यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर जो है सहमति से अपने कह रहे हैं कि अभिनव शुक्ला एंटरटेनिंग नहीं है। उसके बाद अभिनव शुक्ला ने सोचा मैं अब कुछ ऐसा करूँगा जिससे इनको पता चलेगा भैया कि कौन एंटरटेनर है और कौन नहीं है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि भूत बने फिर रहे हैं। जी हाँ, रात को, देर रात को पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने ऐसा किया। अभिनव शुक्ला जी क्या कर रहे हो यार, शुक्ला जी मार डालोगे आप। भूत बनकर सभी को डरा रहे हैं, सभी को एंटरटेन कर रहे हैं। रूबीना हो, वो अली हो, मेरे तो हंसी नहीं रुक रही थी जब मैंने ये देखा। मैं बोला ये क्या शुरू है भैया, भूत बनकर ये भाई साहब डरा रहे हैं, डरा रहे हैं, इसको डरा रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, डर रहे हैं। अभिनव शुक्ला है बिग बॉस के घर के अंदर, मत बोलिए एंटरटेनर नहीं है। बहुत बड़े एंटरटेनर निकले, भूत बने फिर रहे हैं आजकल घर के अंदर। आप क्या सोच रहे हैं, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।